नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और मेरी YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं स्पेशल 40 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे TGT कमीशन और JBT कमीशन 2019 के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा। और राष्ट्रपति को चुना जाता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल द्वारा, जिसमें शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। RBI गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? आपके पास ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 वर्ष। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर बनता है 3 साल के लिए। और रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1935 में और उसी दौरान RBI के पहले गवर्नर बने ऑब्सबर्न स्मिथ, जो जिनका कार्यकाल रहा 1935 से 1937 के बीच में। जबकि प्रथम भारतीय जो RBI के गवर्नर बने उनका नाम था CD देशमुख, और 1943 से लेकर 1949 तक इनका कार्यभार रहा। जबकि वर्तमान में है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास। सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नेपाल। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में हेडक्वार्टर है सार्क का, और सार्क में कुल देश हैं 8। और सार्क के 8 देशों को याद रखने की शॉर्टकट ट्रिक मैं बताता हूँ आपको अपनी MBBS। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में ढाका में, जबकि सार्क का मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। भारत की कानून निर्मात्र सभा कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संसद। तो भारत में कानून का निर्माण करती है संसद, और भारतीय संसद बनी होती है 3 चीज़ों से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल कब से शुरू हुआ? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1962। तो 1962 से शुरू हुआ है 0 आवर यानी शून्यकाल, और ये माना जाता है कि शून्यकाल दुनिया को भारत की देन है। तो संविधान में कोई भी वर्णन नहीं मिलता शून्यकाल से जुड़ा हुआ, लेकिन भारत में 1962 के बाद प्रश्नकाल के ठीक बाद से शुरू किया गया शून्यकाल। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो कौन सा अनुच्छेद 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 हमें देता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, और ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने का अधिकार, व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता और आवास की स्वतंत्रता। जबकि अनुच्छेद 21 में मौजूद है जीने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 19A जुड़ा है प्रेस की स्वतंत्रता से, जबकि अनुच्छेद 16 में मौजूद है समान अवसरों की प्राप्ति। शिक्षा किस सूची का विषय है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 1976 में। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से शामिल किया गया था संवर्ती सूची में। और ये 5 विषय हैं, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, वन्यजीव संरक्षण, वन संरक्षण और मापन प्रणाली। भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो संघ सूची में शामिल होते हैं वे सभी विषय जो कि पूरे देश का मामला है। राज्य सूची में शामिल होते हैं ऐसे विषय जो एक पर्टिकुलर राज्य से जुड़े हैं। और संवर्ती सूची में मामले आते हैं ऐसे जो कि संघ और राज्य दोनों से जुड़े हैं, और इसमें इंटरफेयर कर सकता है राज्य और केंद्र दोनों। तो पहले संघ सूची में मौजूद थे 97 विषय, जबकि अब मौजूद हैं 101 विषय। राज्य सूची में पहले मौजूद थे 66 विषय, जबकि अब हैं 61 विषय।
और समवर्ती सूची में अब शामिल हैं 52 विषय जो कि पहले थे 47। इनमें से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चुनाव लड़ना। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जनता। तो भारत की जनता भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन भंग कर सकता है? और इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा हमारे संसद का अपर हाउस है, उच्च सदन है, और इसे किसी भी हालत में भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 233। तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या होती है 245, जिनमें से 233 सदस्य होते हैं निर्वाचित, जबकि 12 सदस्यों का नामांकन करते हैं राष्ट्रपति। जबकि लोकसभा में कुल सीटें हैं 545, जिनमें से 543 सदस्य होते हैं निर्वाचित और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन, जिन्हें नामांकित करते हैं राष्ट्रपति। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 महीने। अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वित्त आयोग। तो वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का सफाया हुआ था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का सफाया हुआ था 1398 में, और इसी साल यानी 1398 में भारत पर आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। तो दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश हुए, और ये 5 वंश थे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदे। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, गुल खिले तुम सब लोगे। तो गुल खिले तुम सब लोगे में शामिल है ये 5 वंश जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। पटना शहर की स्थापना किस शासक ने की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने पटना शहर की स्थापना की 1540 में, जबकि पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र, जिसकी स्थापना की थी उदयन ने। 8 सुल्तानों का साक्षी किसे कहा जाता है? और इसका सही जवाब है आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो को कहा जाता है 8 सुल्तानों का साक्षी, साथ ही साथ इन्हीं को ही कहा जाता है तोता ए हिंद। तो आमिर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों के साथ काम किया, और ये 8 में से प्रमुख नाम है बलबन, केकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक। तो बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक 8 सुल्तानों के साक्षी रहे हैं आमिर खुसरो। इसके अलावा आमिर खुसरो जाने जाते हैं हिंदुस्तानी के जनक, और साथ ही साथ तबले और सितार का आविष्कार भी किया था आमिर खुसरो ने। आगरा का किला किस शासक ने बनवाया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर। तो मैं दोबारा आपको बता दूं, आगरा का किला बनाया था अकबर ने, जबकि दिल्ली का लाल किला बनाया था शाहजहां ने। और अकबर से जुड़े हुए कुछ एक और महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस कर लेते हैं। तो अकबर ने 1562 में किया था दास प्रथा का अंत, जबकि हरमदल से मुक्ति उसने प्राप्त की थी 1562 में, यानी कि अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू किया था 1562 के बाद अकबर ने। इसके अलावा 1563 में अकबर ने तीर्थयात्रा कर समाप्त किया था, जबकि 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने। हालांकि इसे दोबारा शुरू किया गया था औरंगजेब द्वारा। 1575 में अकबर ने बनाया था इबादत खाना। तो इबादत खाने में अकबर आयोजित करता था रिलीजियस सेरेमनी यानी धार्मिक सभाएं। 1579 में अकबर ने घोषणा की थी मजहर की, जबकि 1582 में अकबर ने घोषणा की थी दीन ए इलाही धर्म की, अर्थात हिंदू मुस्लिम भाईचारा। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में, और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू शासक था बीरबल। 1583 में अकबर ने शुरू किया था इलाही संबत, जबकि 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी आगरा से लाहौर। रूस की क्रांति किस वर्ष हुई? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1917। तो रूस की क्रांति
शुरू हुई थी 8 मार्च 1917 से 8 नवंबर 1917 के बीच में, और इसी क्रांति को बोला जाता है बोल्शेविक क्रांति। इस क्रांति के पीछे थी विचारधारा कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे बोल्शेविक दल के नेता, और इन्होंने अंत किया जार निकोलस के साम्राज्य को। घोड़ा दागने और हुलिया लिखने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी घोड़ा दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे कामों के लिए जाना जाता है, जिनमें से प्रमुख है स्थाई सेना, सेना को नगद वेतन देना, सैन्य अभियान, साथ ही साथ दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, और दक्षिण भारत पर विजय के लिए इसने भेजा था अपना कमांडर मलिक कफूर। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, गढ़ी और चराई। तो चराई लगता था पशुओं के ऊपर लगने वाला कर, जबकि गढ़ी था हाउस टैक्स। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।